वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के हवामहल विधानसभा प्रत्याशी फिरोजुद्दीन के चुनाव प्रचार के लिए भट्टाबस्ती शास्त्री नगर जयपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, राष्ट्रीय सचिव सिराज तालिब, प्रदेश अध्यक्ष वकार अहमद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष नसीरा जुबेरी, प्रदेश महासचिव हसीन अहमद, जयपुर शहर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष तारिक अहमद, हवा महल अध्यक्ष बहादुर खान, हवा महल महिला मोर्चा की नौशीदा और बहुत से कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने माइनॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बनाया है, ये हमसे वोट तो लेना जानते हैं लेकिन हक देना नहीं जानते। सिराज तालिब ने कहा कि हम कब तक गुलामी करते रहेंगे, आखिर हमारा भी हक है कि हम आकर मुल्क को सजाने और संवारने का काम करें। यह मुल्क नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। नासिरा जुबेरी ने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना है और फिरोजुद्दीन को जिताना चाहिए। वकार अहमद ने कहा कि अगर हम हवामहल क्षेत्र का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देकर विजय बनाए। हमारा उम्मीदवार इस क्षेत्र के विकास की जमानत है। साहब, आज जनसभा की क्या कहना चाहेंगे भट्टाबस्ती क्षेत्र में? जनसभा हमारी सक्सेस है, लोगों ने बड़ा इसको सराहा है और बड़े अच्छे ढंग से सुना है। हमारी पार्टी की और हमारी कैंडिडेट की खूबियों को जो हमने बताया उस पर लोगों पे बड़ा असर पड़ा है। हमारी सभा बिल्कुल सक्सेस है। सभा में ऐसा क्या रहा, क्या मुख्य क्या मुद्दे रहे, क्या रहे? सभा में हमने अपनी पार्टी के बारे में हमारे नेशनल अध्यक्ष ने विस्तार से बताया है। कांग्रेस और बीजेपी को उनके जो 75 साल इन्होंने राज किया है और हम लोगों को कितना बैकवर्ड किया है उस बारे में बताया है। हमारे लोगों को जेल में ठोंसा गया है उस पर कौन लोग पैरवी कर रहे हैं, कौन लोग कार्रवाई करते हैं, एनआरसी पर बताया गया है। बहुत सारी बातें हैं जो नेशनल मुद्दे थे। हमारी पार्टी अगर वजूद में आएगी, अच्छे लोगों को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग जीतते हैं तो इन सारी बातों से निजात देश को और आवाम को मिलती है। अगर हम बात करते हैं हवा महल विधानसभा, क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच आ रहे हैं, तो समर्थन कैसा मिल पा रहा है आपको? मेरा समर्थन जनता इसलिए कर रही है, मैंने एक ही बात कही है लोगों से कि जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें कंपेरिजन कर लें। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, उन लोगों से ज़्यादा सोशल वर्क मैंने किया है। अगर उनके वर्क ज़्यादा हैं तो उन्हें वोट दें और अगर मेरे वर्क ज़्यादा हैं तो मुझे वोट दें। और जनता ने इस बात को सर्वे किया है, मान रही है, समझ रही है, उस पर मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी वोट मिलेंगे और मैं जीत की ओर हूँ। राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? मैं जवानी से सक्रिय हूँ। राजनीति ऐसी नहीं कि मैं किसी को मतलब जो भी गवर्नमेंट रही है अगर आवाम के खिलाफ काम किया है उसके लिए आवाज़ बुलंद की, ये राजनीति में सक्रिय है। वैसे आप जनसभा में आए हो फिरोजुद्दीन साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बात करने का अंदाज और बोलने का। मैं इनकी बात से सहमत हूँ और ईमानदारी की बात की है, उसी बात की कि मैं अपनी समाप्त करता हूँ। आप सब क्या कहोगे? सहमत हम लोग इनके बात से, सारे लोग बच्चा अच्छा कहा है इन्होंने, बढ़िया बात कहा है इन्होंने, इनसे सहमत हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करता है और इसी वजह से वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स क्या है वो हमने आज लोगों को समझाया है। वो ये है कि अगर हम चुन के, हम मुसलमान अगर कितना परसेंट हमारा जो वोट है, अगर हम हमारा परसेंट वोटों परसेंटेज या कैंडिडेट जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए, उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमें नौकरियां मिलनी चाहिए। वो हम लोगों ने, हमने आज लोगों को ये बात बताई है। सर, वर्तमान में कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त? पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में 5 सालों के अंदर हवा महल विधानसभा के अंदर जो कार्य रहे विकास के वो शून्य के बराबर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से आज जनता का समर्थन मिला है
और हवा महल विधानसभा का ये वार्ड है, भट्ठा बस्ती का एरिया है, यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन दे करके ये आश्वासन दिया है कि भाई हम नेताजी के साथ में है, फिरोजुद्दीन साहब के साथ में है, और आने वाले समय के अंदर अगर हम लोग विधानसभा में जाते हैं तो काम किस तरीके से होता है ये जनता को दिखाएंगे और जनता के विश्वास में खरे उतरने की कोशिश करेंगे। ये फिरोजुद्दीन साहब की तरफ से ये हमारा विश्वास है। रिया साहब, आप फिरोजुद्दीन साहब के समर्थन में उतरे तो क्या कहना चाहेंगे? फिरोजुद्दीन साहब के समर्थन में इसलिए उतरे हैं, पहली बात तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इनको नुमाइंदा बनाया, और नुमाइंदा भी इसलिए बनाया कि इनके जो जुझारू कर्मठ, जो इन्होंने कब्रिस्तान का 22.5 साल स्ट्रगल करके उन्होंने अतिक्रमण हटवाया, ये बड़ी कड़ी मेहनत से इन्होंने ये चीज़ की है, और ये चीज़ करने का मतलब है कि कौम को एक संदेश देना कि मुसलमानों तुम कोशिश करते रहो, कोई चीज़ है ना कठिन नहीं है, सब आसान है, लेकिन तुम उस पर अपनी दृढ़ता से डटे रहो, जब डटे रहोगे तो ईश्वर भी कामयाब करेगा और दुनिया भी कामयाब, ईश्वर से भी कामयाबी मिलेगी और दुनिया भी कामयाब मिलेगी। क्या लगता है आपको कि जीत हो पाएगी? मैं समझता हूँ इस वक्त हवा महल क्षेत्र में त्रिकोणीय चतुर्कोणीय संघर्ष चल रहा है भाई, एक तरफ चूहे बिल्ली की लड़ाई कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, इसके दरमियान में MIM और वेलफेयर पार्टी जो ज़बरदस्त अपना एजेंडा लेके चल रही है, और इस एजेंडे में हम कामयाब होंगे, पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारे फिरोजुद्दीन साहब बिल्कुल कामयाब होंगे, और पूरी पूरी हम उम्मीद है, और वोटरों से हमें आशा है कि वो हमें वोट भी देंगे, और अगर हम जीत भी नहीं पाए तो हमारा जनाधार बढ़ाएंगे, आने वाले टाइम पर हम इनको जिता के ही लाएंगे हवा महल से। कांग्रेस की हवाओं में जीत का तीर कैसे चल पाएगा? कांग्रेस की हवाओं में ही जीत का तीर चलेगा, कांग्रेस ने डर दहशत का माहौल बना रखा, भय का माहौल बना रखा, और कांग्रेस की कोई जीत का आधार नहीं है, कांग्रेस किसी को भी बिठा दे, किसी को भी खड़ा कर दे, ये उनकी मफाद की राजनीति है, और ये मफाद में ही हमेशा जीती है, हमारे क्षेत्र के विकास के बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हम लोगों में फूट डालती है और राज करती है, और यहाँ पे माफियाओं का राज होता है कांग्रेस के राज में, और अतिक्रमण होते हैं, और नशा खरी होती है, हमारे नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है। इस हवा महल क्षेत्र में नशे का कारोबार चरम सीमा पे है, जिसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है। क्या प्रशासन को पता नहीं है कि किस चौराहे पे किस जगह नशा बिकता है? प्रशासन को भी पता नहीं, प्रशासन को चप्पे चप्पे का मालूम है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपको बाइट दे रहा हूँ, तो इसका भी प्रशासन को इतला है कि यहाँ पर रियाज जमजम ने बाइट दे रहे हैं आपको, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता है कि ये जो नशे का कारोबार अपने चरम सीमा पे जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और फिरोजुद्दीन